हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा बायोलॉजी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफॉरेस्टेशन के बारे में। शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या है? रिस्टोर करना फॉरेस्ट को जहाँ पर पहले फॉरेस्ट थे पर किसी कारण वो डिस्ट्रॉय हो गए थे या फिर उनको किसी बेनिफिट वगैरह के लिए काट दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रिफॉरेस्टेशन इज़ द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट इन एन एरिया वेयर फॉरेस्ट वर रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। रिस्टोरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू सेव आवर प्लेनेट। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स में बनाए हुए हैं नोट्स, और क्या कहते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है तो मेरे को लगता नहीं है कि मुझे हिंदी में बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना और इस बहाने लाइक भी कर देना अगर आपका कमेंट करने का मन नहीं है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिफॉरेस्टेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू मेनटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। रिफॉरेस्टेशन कैन प्ले अ पार्ट इन स्लोइंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एमिशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दे प्रोवाइड अ लिवहुड फॉर ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। फॉरेस्ट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द वॉटर साइकिल एंड प्रिवेंशन सॉइल इरोजन। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं रिफॉरेस्टेशन के। तो इसका है प्रोटेक्टिंग स्पीसीज। रिफॉरेस्टेशन हैज़ द पोटेंशियल टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज। अ रिकवरिंग फॉरेस्ट स्टोर्स हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन एंड लीडिंग थ्रेट टू स्पीसीज हेल्थ। एंड द अनदर वन इज इरोजन एंड वाटर शेड्स। फॉरेस्ट restoration can reserve the damage done by erosion. Reforestation is particularly important in countries such as Brazil where large area of forest have been destroyed by deforestation. So these are the benefits of reforestation. Reforestation के अंदर ऐसी power है कि वो endangered species हैं उनको preserve करने में help करता है। Habitat loss जो हो जाते हैं deforestation की वजह से उसको स्टोर करने में भी हेल्प करता है। और जब डीफॉरेस्टेशन हुआ था उसके कारण जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आई थी, जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रिफॉरेस्टेशन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता और शेयर करने में भी कुछ नहीं जाता, बट इट मोटिवेट्स मी व्हेन आई सो योर लव एंड योर सपोर्ट। थैंक यू। सो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग माय वीडियोज़।